फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जो बढ़त है नागेंद्र पटेल की, वो 2441 वोट की हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 2400 वोटों से आगे हो गई है। अब तक जितनी गिनती हुई है उसमें फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना लीड बनाया हुआ है। कम हो गई थी वो बढ़त, लेकिन अब वो बढ़त अब इस सार एक बार फिर से बढ़कर 2400 वोटों पर पहुंच गई है। अनुराग जी, काफी देर बाद मुस्कुराने की वजह मिली। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फूलपुर सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। इन्होंने पूरी सरकारी ताकत लगा दी और सरकारी कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, तब भी हार रहे हैं। आप सोचो, इनको हारना भारतीय जनता पार्टी के अब उनके सर पे हार बनना तय हो गया। मुझे एक बात बताइए। नहीं, सुनिए, जरूर दे, लेकिन बहुत सारे गम है जिसको बेचारे छुपा रहे हैं। एक बात नहीं शाजिया, मुझे एक बात बताइए, एक गंभीरता से एक सवाल। कौशलेंद्र पटेल जो है, जो आपके उम्मीदवार हैं, उनकी पृष्ठभूमि मिर्जापुर की है, बनारस के पूर्व मेयर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटसाइडर होने की वजह से वो बढ़त यहाँ नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ये टफ सीट पारंपरिक तौर पर तो समाजवादियों की सीट रही है, लेकिन इसमें पारंपरिक तौर पर आप 3.5 लाख वोट से जीते थे तब बोलता हूँ फूल ही फूल खिलेगा, अभी जब हम जीतने लगे तो ये सीट जो है इसमें कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश पारंपरिक समाजवादी रहा है, तो वही हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। उर्मिलेश जी, फूलपुर क्या अभी से अनुराग भदौरिया के पास वजह है जश्न मनाने की, या पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, इतने कम मार्जिन पे जश्न नहीं मनाना चाहिए। बीजेपी कई बार मिठाइयां तक खा चुकी है और चुनाव हार चुकी है, इसलिए मुझे इसी स्टूडियो में हमने देखा। एग्जैक्टली, इसलिए इंतजार करना चाहिए इनको भी उनको भी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।